और 100 नंबर का जब से 112 किया है तब से पुलिस का भी पता नहीं क्या हो गया है, पुलिस भी इन्होंने खराब कर दी है। और एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी अन्याय की घटना हो रही है। हर गरीब अपमानित हो रहा है, जो न्याय चाहते हैं वो न्याय नहीं पा रहे हैं। यहां पर ही बांदा में मुझे बताया अभी मंच पर, अमन त्रिपाठी जिसकी हत्या हो गई, अमन त्रिपाठी जिसकी हत्या हो गई, आज भी पुलिस केस नहीं खोल पाई। उनके परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं, न्याय नहीं मिल रहा। वो हमारे आपके समर्थक हैं नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। कैसी पुलिस, कैसा प्रशासन जो अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ पा रहा है, और कैसे दोषियों को पकड़ेगा, क्योंकि जो दोषी को बचाने वाले सरकार में बैठे हैं, जो लोग कहते हैं दूसरे लोगों को माफिया अपराधी, बताओ उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी बना है जिस पे इतने मुकदमे हों? ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पे सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। अगर कहीं उदाहरण हो तो हमें बता दो आप, कोई उदाहरण है ऐसा कहीं पर? और जो बुंदेलखंड की हालत कर दी है, हमारे गरीब लोगों की जो हालत कर दी है पैदा, आज गरीब गरीब होता चला जा रहा है, इस महंगाई के कारण बर्बाद हो रहा है। इसलिए बुंदेलखंड की जनता से हमारी अपील है, समाजवादी लोग आपसे मदद मांगने आए हैं, बीजेपी के लोगों ने बहुत झूठे सपने दिखाए आपको, ये झूठ के फूल हैं, इनके फूल में खुशबू नहीं आती, ये झूठ के फूल में खुशबू नहीं आती। इसलिए साइकिल की रफ्तार बढ़ाना है, बताओ साइकिल की रफ्तार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि बुंदेलखंड को हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा विकास से जोड़ा है, समाजवादी सरकार बनेगी तो काम के साथ साथ यहां पर रोजगार का भी इंतजाम करने का काम करेंगे। समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया, अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो उसको बनने दिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही थी तो बनने दिया, अगर कोई विकास चल रहा था उसको रोका नहीं, विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। ये समाजवादी लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए उनका विकास कहां दिखाई दे रहा है? जो लोग विज्ञापन भी झूठे दे रहे हों उनसे ज्यादा बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, जिन जिन नेताओं ने इसमें सहयोग किया है, मदद किया है, मैं उनका भी आभारी हूं, बधाई देता हूं। इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ जिस समय चुनाव होगा, मतदान पड़ेंगे तो एक एक वोट समाजवादियों के पक्ष में डाल करके आप ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। यही जोश, इसी उत्साह से अगर आपने मतदान कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी, ऐसी हार होगी जो उन्होंने हार नहीं देखी होगी।